इतिहास की पहली किताब अध्याय 17 दाऊद को नातान नबी का संदेश। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू की भवन में रहता हूँ परंतु यहोवा का वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा क्योंकि जिस दिन से मैं इजरायलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू में और एक निवास से दूसरे निवास स्थान में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इजरायलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायियों में से किसी को मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था? किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा, और वह अपने स्थान में बसी रहे और कभी चिल्लेमान न हो और कुटिल लोग उनको नष्ट न करने पाए जैसा कि पिछले दिनों में करते थे। वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इजराइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा। तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसा मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे उस पर से न हटाऊँगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव उसी तरह रखूँगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद की धन्यवाद की प्रार्थना। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है? हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है, हे यहोवा, तू अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास जिसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और न तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इजराइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज पर्दा करने को छुड़ाया इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी जाति जाति के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इजराइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इसलिए हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है वह सदा अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही कर और तेरा नाम सदा अटल रहे, और यह कहकर तेरी बड़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इजराइल का परमेश्वर है, परम वह इजराइल के लिए परमेश्वर है, और तेरे देश दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा
इस कारण तेरा दास तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। धन्यवाद।